हेलो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने प्रूफ किया था कि कैसे पैराशूट ऑयल एक हेयर ऑयल नहीं, एक एडिबल ऑयल, एक खाने का तेल है। इस वीडियो को आप सभी ने बहुत सराहा, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप सभी को। इस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे मेल्स, मैसेजेस और कॉमेंट्स आए कि ये एडिबल ऑयल है तो इसको बालों में लगाएं या नहीं लगाएं, अगर ये एडिबल ऑयल है तो कंपनी एडवर्टीजमेंट में इसको हेयर ऑयल की तरह क्यों प्रमोट कर रही है, और अगर ऐसा कर रही है तो गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं पकड़ रही। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को आपके दिमाग में आए थे, जिनका आज आंसर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, और इस वीडियो में सारी क्वेरीज का आंसर मैं आपको करूंगा। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूं सम्यक और आप देख रहे हैं बिजनेस बाइबल। पहला क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में आया और बहुत लोगों ने पूछा कि भाई अगर ये एडिबल ऑयल है तो हम इसे बालों में लगाएं या नहीं लगाएं, आप ये तो बताइए। देखिए, मैंने उस वीडियो में ये क्लियर कहा था कि ये एडिबल ऑयल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बालों में नहीं लगा सकते, राइट। मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि बालों के लिए हानिकारक है या बालों में नहीं लगा सकते। जिस तरीके का सरसों का तेल होता है, राइट, सरसों का तेल एक प्योर ऑयल होता है, ठंड में हम उसे हाथ पैर में भी लगाते हैं और खाने में भी हम उसका यूज करते हैं, वैसे ही कोकोनट ऑयल होता है। और पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल है वो प्योर है, जैसा कि कंपनी उसमें बोल रही है, उसके इंग्रेडिएंट्स में दिख रहा है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि वो एक एडिबल ऑयल है, उसको हेयर में भी लगा सकते हैं। या एक चीज आप सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी, कंपनी ने पैराशूट ऑयल के और भी नए नए काफी ब्रांड्स निकाले हैं, जैसे कि पैराशूट एडवांस ऑयल, जो कि स्पेसिफिकली उसमें हेयर ऑयल वर्ड लिखा हुआ है और स्पेसिफिकली वो हेयर ऑयल है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एडवांस है, पैराशूट एडवांस है या प्योर कोकोनट ऑयल है पैराशूट का। तो अगर उसमें लिखा है कि प्योर कोकोनट ऑयल है तो आप उसको बेशक खा भी सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं और अपनी बॉडी में जहां चाहे आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये जो कोकोनट ऑयल है, पैराशूट का कोकोनट ऑयल है, क्या ये 100% प्योर है। देखिए, मैं कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर तो नहीं हूं, बट मैं कंपनी ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ये बता सकता हूं कि जी हाँ, ये एक प्योर कोकोनट ऑयल है। कंपनी के अगर इंग्रेडिएंट्स देखे, उस बॉटल के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, तो हाँ, ये एक प्योर कोकोनट ऑयल है। अब लोग बोलते हैं कि वर्जिन ऑयल नहीं है, वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है, ये प्योर कोकोनट ऑयल है। जी हाँ, मैं अंतर बता देता हूँ। वर्जिन कोकोनट ऑयल और प्योर कोकोनट ऑयल में ये अंतर होता है कि दोनों की जो बनने की प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। बाकी वर्जिन ऑयल थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि उसकी प्रोसेस जो रहती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है, और जो प्योर कोकोनट ऑयल रहता है उसकी प्रोसेस अलग रहती है, इसलिए वो थोड़ा सस्ता आता है। बाकी ये वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है, ये प्योर कोकोनट ऑयल है, इसलिए आपको कंपैरेटिवली इकोनॉमिक पड़ता है, सस्ता पड़ता है। एंड रही बात, कंपनी काफी पुरानी है, काफी फेमस है, मैरिको कंपनी, वो अगर इंग्रेडिएंट्स में लिख रही है, उसमें FSSAI का फूड लाइसेंस का भी नंबर उसमें लिखा हुआ है, उसने भी फूड लाइसेंस का अप्रूवल भी दिया है, तो मतलब वो प्योर कोकोनट ऑयल डेफिनेटली है। तीसरा क्वेश्चन, अभी अभी रिसेंटली मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि भाई आपने क्या ये वीडियो जो बनाया है, जो कंटेंट है, वो आपने उज्जवल पाटनी जी के वीडियो से निकाला है और गूगल की मदद से उसमें ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, मैं भी उज्जवल पाटनी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, डेफिनेटली इज़ अ वेरी नाइस स्पीकर, वेरी गुड स्पीकर। बट उनने जो अभी वीडियो डाला है रिसेंट में, आई गेस अक्टूबर में डाला है, मैंने उसके 5 महीने पहले ये वाला वीडियो जो आपको दिख रहा है वो अपलोड कर दिया था। तो वो मैंने ही रिसर्च किया था उस चीज़ पे, उस प्रोडक्ट पे, एंड इसके बाद मैंने वीडियो बनाया। कुछ लोगों के कमेंट मुझे कुछ इस प्रकार भी देखने को मिले कि भाई कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी को क्या शर्म नहीं आई ये अनएथिकल बिहेवियर करने में, ये टैक्स की चोरी करने में। देखिए, यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज को लेके थोड़ा सा डिफरेंट है। चाहे कोई भी कंपनी हो, बड़ी हो, छोटी हो, या फिर कोई एक छोटा सा बिजनेसमैन हो, रिटेल शॉप हो, हर कोई अपनी टैक्स की प्लानिंग करता है, और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, वो उसी के लिए उनको हायर किया जाता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जा सके कंपनी के लीगल के दायरे में रहकर, राइट। तो उसे कहते हैं स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, ना कि अनएथिकल टैक्स प्लानिंग, राइट। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर यह है कि उनने कुछ गलत नहीं किया, कानून के दायरे में रहकर ही उन्हें अपनी टैक्स की प्लानिंग की। और ऐसा ही सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं और टैक्स को बचाते हैं। अब बाकी हो सकता है इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट हो, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने जो भी किया, इट्स अ कंप्लीटली टैक्स प्लानिंग। चलिए, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सबसे बड़े क्वेश्चन की, जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो था कि भाई कंपनी के जो एड्स आते हैं यूट्यूब पे, अगर आप अभी सर्च करके देखेंगे तो सारे इतने सारे एड्स दिख जाएंगे जिसमें कंपनी ने हेयर को प्रमोट किया है, बालों के तेल को, हेयर ऑयल को प्रमोट किया है। टीवी में जो एड्स आते हैं वो हेयर ऑयल को प्रमोट किया है। उसका आंसर मैं आपको यहां पर देना चाहूंगा। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैंने, जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूं, कि कंपनी ने पैराशूट ऑयल, पैराशूट कोकोनट ऑयल के अलावा भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें है एक पैराशूट एडवांस ऑयल। आपके कहे अनुसार मैंने यूट्यूब पे सर्च किया पैराशूट
कोकोनट ऑयल एड्स। तो अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि जितने भी एड्स दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं पैराशूट एडवांस ऑयल के। पैराशूट एडवांस ऑयल कंपनी स्पेसिफिकली लिख रही है कि ये एक हेयर ऑयल है, डेफिनेटली कोकोनट ऑयल ही है, बट ये हेयर के लिए बना हुआ है। मैंने पहले ही बताया था ये प्रोडक्ट अलग है, और जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं पैराशूट कोकोनट ऑयल जो मार्केट में पॉपुलर है वो अलग है, राइट। तो जिसके भी आप ऐड देख रहे हैं वो पैराशूट एडवांस ऑयल के आप ऐड देखने को आपको मिल रहे हैं। अब भाई इसको समझाने के लिए और अच्छे से मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपको बेशक पता होगा जितनी भी लिकर कंपनीज होती हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती, पब्लिकली वो एडवर्टाइज नहीं कर सकती अपने लिकर के प्रोडक्ट्स को। तो वो क्या करती है, उनकी जो सोडा है, सोडा जो प्रोडक्ट्स हैं, उस सोडा के प्रोडक्ट को वो वहां पर प्रमोट करती है, उसका एडवर्टीजमेंट करती है, और उस सोडा के प्रोडक्ट से वो कंपनी का नाम फेमस होता है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर पैराशूट ऑयल ने अपने हेयर ऑयल को प्रमोट करा है, यहाँ पर पैराशूट एडवांस ऑयल को प्रमोट किया है, ना कि अपने नॉर्मल पैराशूट ऑयल को जो फेमस है मार्केट में। तो आई होप आपका ये जो क्वेरी था कि भाई बहुत सारे ऐड देखने को मिल रहे हैं जो कि हेयर को लेके हैं, कुछ ऐसे भी ऐड हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वो ऐड बहुत पुराने हैं, 2010 के पुराने ऐड हैं, जब एडवांस पैराशूट एडवांस ऑयल नहीं आया था तब भी कंपनी डेफिनेटली ऐड करती थी, पर वहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने कभी भी हेयर को प्रमोट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो वो ऐड यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आई होप आप लोगों के जितने भी मेजर क्वेश्चंस थे, मेजर क्वेरीज थी इस वीडियो को लेके, पैराशूट ऑयल को लेके, इस केस स्टडी को लेके, वो रिजॉल्व हो गई होंगी। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट करके वहाँ पर आंसर दे दूँ, पर क्वेश्चंस इतने सारे रिपीटेटिव आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, ताकि आप सभी के जिसके मन में क्वेश्चंस आए हैं और जिसके मन में नहीं भी आए हैं उन सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक ये चैनल को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस को देखने को मिले। थैंक यू सो मच, गुड बाय।